प्रेमी के लिए चार बच्चों के साथ पाकिस्तान से बिना वीजा भारत आई सीमा हैदर सुर्खियों में होने के साथ ही खतरे में भी है। एक अहम सवाल ये कि क्या उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा या भारतीय वीजा मिलेगा। इस समय सीमा उस मोड़ पर खड़ी है जहां उसे सरहद पार और भारत में भी जान के खतरे की आशंका जाहिर की जा रही है। रविवार को ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। यह हमला सीमा की लव स्टोरी की वजह से किया गया, ऐसा हमलावरों का दावा है। अब अगर बात भारत में सीमा की सुरक्षा को लेकर करें तो एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि सीमा जिस तरह मुस्लिम से हिंदू बनने का दावा कर रही है उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई सिरफिरा भीड़ या पत्रकार का चोला पहनकर उस पर जानलेवा हमला कर सकता है। कुछ समय पहले ही मीडिया का चोला पहनकर तीन शूटर्स ने प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की हत्या कर दी थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सीमा या सचिन की तरफ से अभी तक सुरक्षा नहीं मांगी गई है, मगर सुरक्षा हर गतिविधि पर पूरी नजर बनाए हुए है। वर्दी और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी सचिन के घर के आसपास मौजूद हैं। पुलिस सीमा की सुरक्षा बढ़ाने पर गौर कर रही है, फिलहाल उसे पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा को भारत में रहने का वीजा मिल सकता है। इस बाबत सूत्रों का कहना है कि सचिन बतौर पति इसके लिए अर्जी देता है तो सीमा को लंबी अवधि का वीजा मिल सकता है। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियों की माने तो अब तक की तफ्तीश में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे शक हो कि सीमा एक जासूस है। खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि सीमा इश्क के चक्कर में सरहद पार बिना वीजा के भारत आ गई है। लखनऊ में बैठे यूपी पुलिस के एक आला अफसर ने भी आज तक से कहा कि जासूसी की बजाय मामला इश्क का ही है। उन्होंने कहा कि सीमा को भारत में रहने देने या वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार को करना है। पुलिस के मुताबिक अपने पति के साथ अनबन का दावा करने वाली सीमा ने कराची स्थित घर वापस पहुंचकर 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों में एक प्लॉट बेचा और फिर खुद समेत अपने बच्चों के लिए नेपाल के लिए वीजा और फ्लाइट की टिकट का इंतजाम किया। इधर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 1.5 महीने से ज्यादा समय के बाद स्थानीय पुलिस को पता लगा कि उसके क्षेत्र में एक पाकिस्तानी महिला और उसके बच्चे अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके बाद सचिन ने सीमा और उसके बच्चों को लेकर पुलिस की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की और भागने का प्रयास भी किया, लेकिन 4 जुलाई को हरियाणा के बल्लभगढ़ में उनको पकड़ लिया गया। गिरफ्तार करके सचिन और सीमा को लुक्सर जेल भेज दिया गया। हालांकि 7 जुलाई को जेवर की एक अदालत ने सचिन और सीमा को जमानत दे दी थी। अदालत ने आदेश दिया कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है तब तक सीमा अपना घर नहीं बदलेगी और सचिन के साथ रहेगी। अब माना जा रहा है कि आगे अदालत जो आदेश देगी उसके अनुसार भारत सरकार विदेशी महिला को लेकर फैसला लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।